हे हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट हेल्थ एडवाइजर्स। भारती एयरटेल, हाँ अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट्स आए। रिजल्ट के दिन मैंने पोस्ट नहीं करा था वीडियो, लेकिन यस अगेन मेरा डिस्क्लेमर, मैं इसमें काफ़ी इन्वेस्टेड हूँ और काफ़ी लॉन्ग टाइम का इन्वेस्ट। मुझे दिख रहा है कि ये कंपनी अभी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, ठीक है। लोगों का भी मोमेंटम इधर बीच दिख रहा है, और ऑलमोस्ट आफ्टर 2017 फर्स्ट टाइम अगेन दे पोस्टेड सच ए बिग प्रॉफिट, 858 करोड़, जो कि इनके साइज के लिए जो मुझे दिखता है ना, 854 करोड़ इज लाइक नथिंग नथिंग, ठीक है। तो मैं कुछ एक डेटा दिखाता हूँ आपको विदाउट एनी डिले कि क्यों क्यों अब आगे जाके इसके दिन लौट रहे हैं अब, ठीक है। ऑलरेडी कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन लोग इससे, इस पूरी इंडस्ट्री से इसलिए भाग रहे थे क्योंकि इंडस्ट्री बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। जैसे स्पेक्ट्रम के कॉस्ट, फाइबर के कॉस्ट, नया टेक्नोलॉजी जैसे 4G से 5G अपग्रेड, ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही हाई रेवेन्यू वाली कंपनी है। जैसे डू यू नो कि आज के डेट में एयरटेल का जब रेवेन्यू देखा जाए तो इट हैज ऑलरेडी क्रॉस 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रेवेन्यू, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एक डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा। तो जैसे बताया, बिग प्रॉफिट आफ्टर 2017 काफी, मैंने 854 करोड़, जबकि इसमें भी दुनिया भर की इधर उधर के वन टाइम लॉसेस भी दिखाए, बट स्टिल 850 करोड़ प्रॉफिट। 2017 के बाद पहली बार इतने प्रॉफिट आए। 14.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके पास हैं 4G के, ठीक है। ये 4G का केवल डेटा है, और मतलब ऐड किया इधर में केवल इस क्वार्टर में, और रिलायंस से ऐड किया था 5.2 मिलियन, ठीक है। तो सोचो कि ऑलमोस्ट तीन नियर अबाउट 3 गुना ज़्यादा कस्टमर ऐड किया एयरटेल ने, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कहाँ लग रहा था कि रिलायंस इनको एकदम तोड़ फोड़ देगा, खटाखट खटाखट करते करते वही सबसे 500 मिलियन 600 मिलियन सब्सक्राइबर वो अटैच कर, लेकिन अब दिखना, अब पेन दिखना चालू हो गया। एटलीस्ट 2 क्वार्टर में दिख गया कि पेन दिखना चालू हो गया है रिलायंस की तरफ से। अब कितना ही तुम, मतलब जो सबसे ज्यादा जो पेनफुल था कि सस्ते देना, तब एयरटेल एकदम 1-to-1 मैच कर रहा है। जो भी तुम दोगे वैसा एयरटेल मैच कर दे। इवन एयरटेल ने ये भी बोल दिया कि आगे चल के वो लोग सबसे पहले, मैंने पहले वो नहीं सस्ता करने वाले, यदि जियो को सस्ता करेगा तो हम उसको मैच कर देंगे, ठीक है, ऐसा भी स्ट्रेटजी है। बड़े बड़े अब वो भी हो रहे हैं, जैसे अमेजन के साथ जो इनका प्राइम वीडियो है मोबाइल एडिशन, उसमें इन लोग शामिल हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको ये भी पता होगा कि एक इनकी क्लाउड भी है, अमेजन जो है, जिनका जो इंडिया में क्लाउड देखना है, तो लगभग लगभग एयरटेल के साथ उनका है। और एयरटेल का अपना भी एक मतलब डेटाबेस सेंटर का एक बहुत बड़ा कारोबार है, पेमेंट बैंक, आपको पता ही होगा। 5G सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया है हैदराबाद में। रिलायंस जियो रोज डराते रहते थे कि अब देखो हम तो 5G में आने वाले, तुम क्या करोगे, तो उसने 5G दिखा दिया कि हम कैसे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे भी 5G हम कर सकते हैं। ये बड़ा चीज होगा कि अगर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे, मतलब जो इनके 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी इनके फोन पे, जो 4G फोन से उस पे जो 5G अब जो ला दो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। डिजिटल टीवी बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब खराब नहीं कर रहा है, अच्छे खासे ऐड कर रहा है सब्सक्राइबर्स। फिर हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू तो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ हुआ है, ठीक है। 26,000, ये मैंने 26,517 करोड़ रेवेन्यू, यार ये सबसे बड़ा मेरे को चीज लगता है कि जगह इनका ऑपरेशन कार्ड, जैसे अब धीरे धीरे जो पिछले 4-5 क्वार्टर में इन्होंने भर भर के जो एजीआर केसेस थे, खलाना ठिकाना सब सॉल्व किए। अब सोचो कि 26,000 करोड़ में कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट दिखा सकती है, राइट। यही पे मेरे को लगता है कि जगह 26,000 करोड़ इज नियर अबाउट 3 बिलियन प्लस रेवेन्यू, अगर 33% के आसपास अगर ऐसा प्रॉफिट दिखाए, मैंने रेवेन्यू रेवेन्यू के अगेंस्ट, तो बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है।
तो 1 बिलियन डॉलर प्रॉफिट, मुझे लगता है कि इस कंपनी के पास कैपेबिलिटी है 1 बिलियन डॉलर प्रॉफिट दिखाने का क्वार्टरली। ये हमको बताएं 14.2 मिलियन से भी सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, आपको बताएं। फिर टोटल 4G सब्सक्राइबर 165 करोड़ के, जो कि इनसे ज्यादा है, जियो से ज्यादा है, ठीक है। और ओवरऑल 336 मिलियन, ठीक है। तो माने अब इसके और कुछ और एक इम्पोर्टेंट डेटा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीनर में, ठीक है। स्क्रीनर में आते हैं, स्क्रीनर में चलते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आते हैं एयरटेल, कंपनी जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर रही है, उसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है। थोड़ा सोचने वाली बात है कि धीरे धीरे अब रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ने वाला है, आरओसी बढ़ने वाला है खटाखट, ठीक है। तब टाइम नहीं लगना चाहिए इसको, मुझे लगता है। अच्छा, इसका अंडर परफॉर्मेंस देखो यार, गजब का अंडर परफॉर्मेंस है टेलीकॉम का। टेलीकॉम के तो मतलब इधर बीच तो एकदम पूरे बैंड ही बज गया था इनका, पूरी हालत खराब। ये इनके पीक डेज थे, जब पीक डेज में देखो कैसे बढ़ते थे, 107 रुपए का शेयर, जैसे यहाँ पे 152 रुपए का है 2006 में, 2008 में 431 रुपए का, 4 गुना 5 गुना ऐसे, मतलब बहुत तेज बढ़ता था। इधर में पूरा डवाडोल हो गया इनका बिजनेस, लेकिन अब धीरे धीरे अब इनका बिजनेस सही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नेट प्रॉफिट इनका देखो कैसे पहले प्रॉफिटेबल होते थे। प्रॉफिट पहले इनका करीब 1 बिलियन डॉलर था, हाँ 7,800 करोड़, 9,000 करोड़ इतना प्रॉफिट ईयरली दिखा पाते थे। एक और 2009-2010 में, 10 में 37,000 करोड़ उस समय उनका सेल्स था, आज का सेल्स नियर अबाउट 1 लाख करोड़ से ऊपर होने जाने वाला है। तो बताओ कि सेल्स जगह 3 गुना हो गया, धीरे धीरे आपको नए स्पेक्ट्रम खरीदने नहीं है, रोज फाइबर आप लगा नहीं रहे हो, रोज मतलब नया एक्सपेंडिचर तो आ नहीं रहा है, हाँ। तो ठीक, आपका देखो नेट नेट जो उसमें 40% का ओपीएम ऑपरेशनल मार्जिन था वो पहुंच गया है, ऑपरेशनल मार्जिन वहां पहुंच गया है। जो लॉसेस क्या दिखाते जा रहे थे बार बार, जैसे ये एजीआर वाला है, हाँ एजीआर वाले में सीधे 42,000 करोड़ कैसे लॉसेस दिखा दिया है यार, हाँ खटाखट खटाखट लॉसेस दिखाए। अब कंपनी मुझे लगता है कि वापस से अपने ये ईयरली जो है, ईयरली मतलब आराम से 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ का प्रॉफिट आराम से दिखा सकती है, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एक जो और मेजर चीज समझने वाली है, इनका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में बहुत पैसे जा रहे हैं, 14,000 करोड़ यार, 14,000 करोड़ इंटरेस्ट देती है कंपनी। जिक्र इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही अगर कम करता है अगर कंपनी, तो बहुत सारे प्रॉफिट में दिखा सकता है, ठीक है। तो अब जाके माने जब 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 सब कुछ अब स्टेबल हो रहा है ना, वोडाफोन खत्म ही है ऑलमोस्ट अकेले, मुझे लगता है कि 80% जो मार्केट शेयर है, 40-40% जियो, 40% ये यही दोनों लोग संभालेंगे, और नई कंपनियां आने वाली नहीं है। नई वोडाफोन ही जगह काम कर रहा है तो बहुत बड़ी बात, नई कंपनियां तो मतलब समझो कि एकदम गई है, नहीं आने वाली अब। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कैसे ये लोग अपना सबसे पहले इंटरेस्ट, इनकम इंटरेस्ट जो जा रहा है ना वो पैसे कम कर दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब आते हैं हम FIs का मूड देखते हैं ना, तो FIs लगभग लगभग भी वहीं पे हैं, लेकिन DIs बहुत बड़े हैं। DIs जो म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, DIs 12% से 21% कर चुकी हैं, ठीक है। और पब्लिक 1.9 से 4.88, तो अब धीरे धीरे मूड भी DI का सुधर रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब इसके दिन बदलने वाले हैं, अब ज्यादा दिन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसको आप अपने एडवाइजर से पूछो कि कैसा क्या करने वाला है बिजनेस।